सात आचार संहिता के समाप्त होते ही भूपेश सरकार के मंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में मंत्री ताम्रध्वज साहू पर्यटन कार्यालय पहुंचे और मौके पर अव्यवस्थाओं को देखते हुए अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो वहीं मौके पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। हमारे साथ हैं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिन्होंने अचानक पर्यटन विभाग मंडल से औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश दी गई है इसकी जानकारी के लिए आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, क्या दिशा निर्देश दी गई है, अवलोकन में क्या कुछ मिला है? अधिकारियों को पहले ही चूंकि आचार संहिता था उस पीरियड में साइलेंट पीरियड में हम बहुत सारा काम कर लें, ये निर्देश हम अपने अधिकारियों को पहले ही दे चुके थे कि पर्यटन विभाग में अच्छा काम करने के लिए, पर्यटन उद्योग के बढ़ावा के लिए हमको क्या क्या काम करना है उसकी पहले ही अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया था। उसमें कितना क्या क्या बनाए हैं वो देखने के लिए विभाग में अलग अलग जो सेक्शन है उनमें क्या क्या काम होता है, उसमें उनकी कार्य संस्कृति में और क्या बदलाव किया जा सकता है, वो सब आज हम लोग हर सेक्शन में जाके घूम के देख के अनुभव करो प्रैक्टिकली और उसके अनुसार आगे काम करो। तो अधिकारी को जो निर्देश हम लोगों ने दिया था, अधिकारियों को, वो तैयारियां उनकी हो चुकी है, DPR बना चुके हैं। अब उसके लिए बजट चाहे सेंट्रल हो या स्टेट का हो वो लेने के बाद उस दिशा में काम आगे होगा। हम किस तरह से निर्देश था अधिकारियों को? निर्देश ये था कि जो स्पॉट है पर्यटन का और आज वहाँ पे मान लो 10 यात्री जा रहे हैं तो क्या सुविधाओं में कमी है, क्या सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। जैसे मेन रोड से हम अप्रोच रोड बनाएं तब लोग जाएंगे, आदमी जाता है तो वहाँ पीने पानी की सुविधा हो, चाय की व्यवस्था हो, नाश्ते की सुविधा हो, होटल की व्यवस्था हो, ठहरने की व्यवस्था हो। अगर परिवार के साथ जा रहा है तो बच्चों के साथ झाप जा रहे हैं तो गार्डन हो, झूला हो, इस प्रकार की सीढ़ियाँ हो, बिजली हो, तमाम वो सुविधाएं वहाँ मुहैया कराएं जो हमारे लोकल टूरिस्ट के लिए और अदर स्टेट से आते हैं या फॉरेनर्स आते हैं उनके स्तर की सुविधा हम उन स्थलों पर विकसित करना चाहते हैं। तो उसके लिए DPR तैयार किया जा रहा है, लगभग 13-14 बिंदु पे पॉइंट्स पे वो लोग तैयार कर चुके हैं हमारे अधिकारी लोग। मोटल होटल जो पुराने बने थे करीब 13-14 जगहों पे टेंडर किया जा चुका है, आचार संहिता के कारण हैंडओवर नहीं हुआ था, उसको हैंडओवर कर रहे हैं। लगातार अब इसमें पर्यटन विभाग में काम चलेगा, लगातार हम लोग वाच करेंगे। मेरे कार्यालय से भी एक आदमी हम डिप्यूट करने जा रहे हैं, एक अधिकारी जो हमारे पर्यटन विभाग के जो अधिकारी हैं रोजाना टच में रहेंगे, जाना आना, घूमना फिरना, देखना, वर्क जो काम हो रहा है उसको करना, ये होगा। मैं रोजाना तो इन्वॉल्व हो नहीं पाऊंगा, आ नहीं पाऊंगा, तो हमारे एक अधिकारी डिप्यूट कर रहे हैं यहाँ पे जो रोजाना यहाँ टच में रहेंगे। आगे कार्य अवधि के लिए कितने स्थलों को चिन्हित किया गया, वो कौन कौन? सारे स्थल को कर रहे हैं, कहीं जो शुरू नहीं है उसको शुरुआत करें, जो हो चुका है उसको और बेहतर क्या किया जा सकता है उसका। लगभग 13-14 स्पॉट ऐसे हैं। उनमें से कुछ का नाम? उनमें से जैसा हमारा मेन पार्ट है, हमारा गंगरेल है, तीरथगढ़ है, चित्रकूट है, हमारा चिल्फी की ओर एक स्पॉट है, सिरपुर है, काफी जगह है जिसपे राजिम को भी हम लोग चाहेंगे कि एक अलग ढंग से उसको विकसित करें, ऐसा है। ये थे हमारे साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, जिनका साफ कहना है कि वो पर्यटन स्थल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ मजबूत है और उसको आगामी के लिए तैयार किया जाना है। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। धन्यवाद।